हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमने देखा था लास्ट बार तक प्रेम प्राव जो सई की बहन है, कजन सिस्टर, वो क्ला के पास गई हुई थी। उसे जानना था कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट जो सई के होटल के सामने वाला है, उसमें क्ला क्यों इंटरेस्टेड है। और ये सारी चीज़ें फैमिली सब मिल के प्लान कर रहे होते हैं। प्रेम क्ला के साथ काफ़ी करीब वाला फोटो भेजती है। और यहाँ पर ना जो सही है वो देखो, वो जेलस तो बात फील कर रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसे तो बात कूल बनता रहता है, और अब देखो ऐसा वो सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है प्रेम को एक कार्ड मिल गया था जो था इनके पापा का था, वो उनका फोटो भेज देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग वाला सीन, जहाँ पर उसे एक एग्रीमेंट जैसा पेपर मिलता है, जहाँ पर थाइन के पापा के साथ वो एग्रीमेंट, न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एग्रीमेंट पेपर था। यहाँ पर सही है पापा सही से पूछते कि तुम्हें पता था थाइन और क्ला साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सही बोलते कि नहीं, मुझे तो पता नहीं था। यहाँ पर उसके पापा बोलते कि तुम्हारे साथ कोई भी लड़के इतने ऑनेस्ट होते क्यों नहीं, तुम बदकिस्मत हो क्या, मतलब उस वो तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम्हारे एक्स के साथ मिलकर काम कर रहा है, ऐसा वो बोलने लग जाते हैं। हमें दिखाया जाता है सई वो एक्चुअली थाइन को मिलने के लिए आई हुई होती है, और अभी जो हमारा हीरो है ना क्लार्क है, वो यहीं पर रह रहे हैं। और यहाँ पर वो उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। यहाँ पर हमें पता चलता है जहाँ पर जो क्लार्क की बहन है ना, थाइन के पापा उससे थाइन की शादी करवाना चाहते हैं, और मतलब इतना पसंद कर रहे थे ना उसको, ये चीज़ें वो बोल रही थी। और वो बोलती है कि वो लोग पागल हो रहे हैं मुझसे काम में रखने के लिए, वो चाहते हैं मैं वहाँ पर काम करूँ, पता नहीं इतना ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे, ऐसा वो बोलती है। क्या बोलता है कि देखो बस हम ना पैसों के लिए काम करने वाले बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। और वो दोनों बोल रहे थे कि ये सही की किस्मत है, कोई सच्चा प्यार कभी मिलता क्यों नहीं है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर थाइन से सही मिलने के लिए आई हुई होती है, यही बात पूछने के लिए कि तुम वो प्रोजेक्ट कर रहे हो क्ला के साथ। तो यहाँ पर ना पहले तो वो बताता नहीं, लेकिन बाद में वो बता देता है। वो बोलता है कि देखो मुझे तो कोई करनी नहीं थी उसके साथ काम, लेकिन पापा कर रहे थे इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम अपसेट हो जाती है, ऐसा वो बोल देता है। सही को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सीन एशिया यहाँ पर बोलती है क्ला को कि तुम अपने एक्स के साथ कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके भाई को जेल भेजा। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि उन लोगों के पास अभी मेरा कोई लेना देना है नहीं, जिस दिन सही के साथ मेरा रिश्ता टूटा ना उसके बाद मेरा कोई वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो बोलते कि आई जस्ट होप तुम जो सोच रहे ना उस पर टिके रहो और पिघल मत जाना। यहाँ पर वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, उन लोगों ने जो मेरे साथ किया है ना उसके बाद तो उन्हें ऐसे मूड का देखने का सवाल भी पैदा नहीं होता। यहाँ पर एशिया बोलते हैं कि इतना याद रखो बिजनेस में ना अपने फोकस के लिए काम करना होता है, अपने फायदे के लिए, किसी और पे इस तरह से फोकस करना नहीं है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मेरी हिम्मत कहाँ है जो आपकी बातों को मैं मना कर सकूँ, देखो ऐसे है तो ये इसकी स्टेप मॉम, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि ये इसे काफ़ी सीरियस करने की ट्राई कर रही थी हमेशा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर हेम क्ला को बताता है कि क्या था ना, क्ला के पापा की कुछ चीज़ें मैडम मतलब एशिया ने फेंकने के लिए बोल दिया था, और ये चक्कर में गेम को एक विल मिल जाता है, उसके पापा का ओरिजिनल विल, जहाँ पर उसकी मॉम और क्ला के नाम पे भी इनहेरिटेंस में से कुछ उसके पापा ने सेलेक्ट किया हुआ था, लेकिन ये जो एशिया है वो नहीं चाहती थी उसे कुछ भी मिले, इसीलिए उन्होंने क्ला को यहाँ पर एडॉप्ट कर लिया था ताकि बाद में सब कुछ उसे छीन सके, मतलब उसे कुछ भी ना मिले। ये सारी चीज़ें खेम बताता है क्योंकि विल में यही था। तो एशिया का इतना अच्छा बनने का रीज़न और अब तक यहाँ पर क्ला के लिए स्टैंड करने का रीज़न यही था ताकि बाद में ये आए और सब कुछ ये वापस अपने बेटे को कर दे। यहाँ पर ये बात क्ला समझ जाता है। हमें दिखाया जाता है शाम को क्ला के पापा कॉल कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि वो तुम्हारी एडॉप्टिव मॉम नहीं अपनी मॉम की तरह है, उनका अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि हाँ पापा मैं समझ चुका हूँ कौन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, अब तो उनकी असलियत भी जान चुका था। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन, जहाँ पर सई थाइन से मिलने के लिए गई हुई होती है। यहाँ पर ना वो केम को फ़ोन पर बात करते सुन लेती है, उसके बाद अब उसे आइडिया आता है कि मुझे क्ला क्या कर रहा है वो जानना होगा, और उसके रूम में जाने का कोई तिकड़म लगाने लग जाती है। अब आपको तो याद है ना सई ने एक फेक अकाउंट बना के क्ला के ऐप में रजिस्टर कर लिया था जॉब के लिए, तो उसे कॉल आता है और ये कॉल किसी और का नहीं क्ला का था। क्ला बोलता है कि मैं कल के लिए कहीं जा रहा हूँ तो क्या आप मेरे रूम में आके मेरे अपार्टमेंट में आके मेरा जो साफ सफाई है वो कर सकती है। वो बोलती है ठीक है। हमें दिखाया जाता है सई ऐसे छुप जाती है, क्ला और केम बात करते आ रहे थे। यहाँ पर वो ओल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट तो हम लोगों को पता है ना, उसी के बारे में वो बात कर रहे थे। और यहाँ पर उन लोगों ने ना अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए मना कर दिया था, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि उसकी फैमिली को सेल करने से अच्छा है हम लोग उसे कन्विंस कर लेंगे, मतलब जो भी ओनर है, और वो बोलते हैं कि वो लोग ना मनी माइंडेड है, मतलब सही के फैमिली, और वो लोग ना बस पैसों की बात से जानते हैं, लेकिन हम उन्हें
इतना कन्विंस कर लेंगे कि किसी भी कीमत पे वो प्रोजेक्ट हम ही ले लेंगे, ऐसा वो बोल रहा था। मतलब सई के होटल के साइड वाला घर, साइड वाला जगह, यहाँ पर सई उनकी बातें सुन रही थी। हमें दिखाया जाता है इसके बाद नेक्स्ट वाला सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है अब नेक्स्ट सीन जहाँ पर क्ला सई के होटल के साइड वाला जो प्रॉपर्टी था ना, उन ओनर से मिलने के लिए गया हुआ था। ऐसे उन लेडी ने ना सई वाले, सई की फैमिली को तो बेचने के लिए मना कर दिया था उस लैंड। एक्चुअली वो लोग भी चाहते थे कि वो खरीदे, क्योंकि उन्हें पता था क्ला उस लैंड को खरीदने वाला है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओ लेडी जो क्ला की सिंपलिसिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। साथ में वो ये भी बोल देती है कि सामने होटल वाले भी आए हुए थे खरीदने के लिए, लेकिन मैं तो उन लोगों को बेचने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड लगे मुझे, ऐसा वो बोल देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सई को, सई क्ला के अपार्टमेंट पहुँचती है और उसके बाद यहाँ पर वो लैपटॉप एक्सेस करने की ट्राई करती है, लेकिन पासवर्ड गलत डालने की वजह से वे रिंगटोन जो नोटिफिकेशन है ना वो क्ला के फ़ोन पर चला जाता है। और यहाँ पर क्ला उसे कॉल करता है सई को, मतलब वो तो उसे मेयर समझ रहा है ना ऐप के जरिए, वो तो फेक आईडी बना के आई हुई थी। प्रिम प्राओ उसी टाइम पे वहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर जब क्ला पूछता है कि मेरे लैपटॉप कोई एक्सेस कर रहा है क्या, वो बोलती है कि आपकी गर्लफ्रेंड कर रही है ना, मैंने देखा वो काफ़ी सुंदर है। क्ला बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और उसके बाद क्ला प्रिम प्राओ को कॉल करके वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। इस तरह से सई इस मोमेंट में पकड़े जाने से बच जाती है। हमें दिखाया जाता है क्ला को इन लेडी से वो बात कर रहा था, और वो इतनी अच्छे से बात करता है ना, मतलब सिचुएशन को बहुत प्रॉपरली हैंडल कर लेता है। मे भी शायद वो इस प्रॉपर्टी को बाद में बेचने के लिए तो मान जाएंगी। नॉर्मली क्या होता है ना, ओल्ड लोग अपने घर को बेचना नहीं चाहते, लेकिन इसकी बात से काफ़ी इंटरेस्ट थी। क्ला अपार्टमेंट में वापस आता है और सई भी ऐसा रिया करती है कि वो थाई से मिलने के लिए आई हुई है। क्ला बोलता है कि ऐसे तुम बार बार यहाँ पर आती रहोगी तो तुम्हारा वो डर के मारे भाग नहीं जाएगा। सही बोलती कि मुझे डर है तुम्हारे साथ मिलके कहीं कोई उसके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब साथ में काम कर रहा है ना। क्ला बोलता है कि वो तुम्हारा स्टैंडर्ड ना तुम्हारा डबल है। सही बोलती है अगर कोई इंसान अच्छा लगाएगा, मतलब अच्छा पहनेगा, अच्छा खाएगा, इट डजेंट मीन कि वो अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्या है मुझे पता है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि वो तो तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, मेरा नहीं, मैं कुछ चीज़ ऐसे थोक देता हूँ ना तो फिर से उसे उठाता नहीं। एंड वहाँ से चला जाता है क्ला, अंदर चला जाता है सही, गाड़ी में थी और गुस्से में थी, तभी यहाँ पर उसे कॉल आता है, मतलब आश्रय ऐप के थ्रू जो क्ला का ऐप है ना वहाँ से। और क्ला निकल के आया था, उन्हें बहुत गुस्से को कंट्रोल करते हुए फ़ोन पिक करती है और बोलती है हेलो, मतलब वो साउंड चेंज करके बात कर रही होती है। क्ला बोलता है कि मैं ना कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरा करके ख्याल रखेंगी। वो बोलती है ठीक है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कुछ दिन तक यहाँ पर सही उसके घर पर आके चीज़ों का ख्याल रख के चली जाती है। ये बात एशिया को पता चल जाती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो बोलती कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, जाके देखो। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर सई के पापा सैनसेन, मतलब उनका सेक्रेटरी, और ये लोग ना प्लान कर रहे थे जो क्ला का ऐप है ना उसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, होता है ना हर चीज़ में लूपहोल, तो उसको टारगेट करके इस टाइम हम क्ला को नीचे गिराएंगे और उससे खड़ा होने बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहाँ पर सई इनकी बातें सुन रही थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, वो तो खुद ही कन्फ्यूज थी, अब बेचारी क्या ही बोलती। इन दिन हमें दिखाया जाता है वो चीज़ हो भी जाता है। यहाँ पर सोशल मीडिया पे क्ला के ऐप का बॉयकट कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर एजेंट ना ये ऐप मिसगाइड कर रहा है लोगों को ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए बगैर इंटर दे रहा है मेंबरशिप लेने की, ये सब बोलते हुए यहाँ पर क्ला ये देखकर शॉक हो जाता है। वो समझ जाता है ये सब सई की फैमिली का काम है। यहाँ पर केम बोलता है कि लोग तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्या करना है क्ला। वो बोलता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इंटरव्यू देने में, ऐसे मैंने कुछ गलत नहीं किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी एशिया के साथ वो मिलने के चला जाता है और वो बोलती कि तुमने तो बोला था तुम अपने पर्सनल लाइफ अलग रखोगे, लेकिन अभी ये देखो क्या हो गया, तुम्हारे ऐप पर लोग टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैंने गलती की थी उन लोगों को अंडरएस्टिमेट करके, लेकिन अब मैं वो गलती नहीं करूँगा, डोंट वरी मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर जो एशिया है वो सही का फोटो दिखा देती है, मतलब तुम्हारी नई मेट बन के वो आ रही है। ये देखने के बाद क्ला का तो ना दिमाग ख़राब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट सीन, यहाँ पर ये लोग ये तक प्लान करते हैं कि क्ला के ऐप के थ्रू ना लोग जो मेंबर बनते हैं ना वो गलत काम भी करते हैं। गलत मतलब किस वे में आप लोग खुद ही सोचो, और ये सारी चीज़ें अगर फैलाएंगे तो क्ला के ऐप का और भी ज़्यादा बदनामी होगी, ये लोग प्लान करते हैं। यहाँ पर क्ला उसे कॉल आ रहा था कंटिन्यूसली और यहाँ पर अब सई की फैमिली को ऐसा लग रहा था कि अब तो हो गया, और यहाँ पर सई बोलती कि ये सब करके क्या हम उसे जीत पाएंगे, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा तो मैं ही जानती हूँ और उस पता है वो इतने आसान से हार मानने वाले ऐसे नहीं है, लेकिन बेचारी को कौन पहचानता, कौन इसकी बातें सुनता है जो आज सुनेगा। यहाँ पर सब लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। नॉर्मली क्या होता है ना क्ला के
जो ऐप है उसमें रजिस्टर करने के लिए आईडी और वेरिफिकेशन चाहिए होता है, तो उसी को ये लोग लूपहोल बना के टारगेट कर रहे होते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत बदनामी चल रही थी क्लाक के ऐप की, और थाईलैंड में इस ऐप को बॉयकॉट करने के लिए बोला जा रहा होता है, हमें दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला सीन जो प्रिंट्राव है वो क्लाक के पास आके बोलती कि मेरा भाई कल तुम्हारे अगेंस्ट कुछ न्यूज़ निकालने वाला है, तुम रेडी रहना, तुम अगर उससे फाइट करना है तो कर सकते हो। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन, यहाँ पर सही याद करती कि उसका रिंग तो क्लाक के घर में रह गया अपार्टमेंट पे, तो वो भागते हुए क्लाक के अपार्टमेंट की तरफ के लिए निकल जाती है। लेकिन उसे थोड़ी पता था कि क्लाक को ऑलरेडी पता चल चुका है जो ऐप के थ्रू आने वाली हमारी बंदी को यार नहीं सही है, और वो जब सही अंदर जाती है तो वाइट सा स्मेल देता है। ऑब्वियसली एक कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा है सही के अगेंस्ट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर थायन और सही एक दूसरे के साथ थे। यहाँ पर क्ला बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और यहाँ पर वो सही के साथ बात करने के लिए आया हुआ था। क्ला बोलता कि मैंने ना गलत किया, तुम लोगों को ना अंडर एस्टिमेट करके मैं ही गलत था। यहाँ पर सही बोलती है कि तुम्हारा जो असली चेहरा है सबके सामने आ गया तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, अब इतना गुस्सा करने की कौन सी बात है, यही तो हो ना तुम। यहाँ पर क्ला बोलता है कि इस तरह से ना पीछे से वार करना बंद करो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। और उसके बाद बोलता है कि तुम जैसी लड़की जो दूसरों को मतलब के लिए यूज करती हो ना, वो कभी किसी के हो ही नहीं सकती। और यहाँ पर वो बोलता है कि गलत तो मैं ही था जो मैंने ना सब कुछ इस तरह से बिगाड़ दिया। सही ना बहुत गुस्से में थी, और यहाँ पर ना वो तो अब वही समझती है ना क्ला, अभी जो रिवेंज मोड में आया है वही वाला। यहाँ पर क्ला बोलता है कि ये ना ऐसी है, पता है इतनी घटिया घटिया बातें करती है और सोचती भी ऐसी है, थाइन के सामने बोल रहा था। थाइन बोलता है कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, तभी यहाँ पर वो उसके सामने जाता है और सही को बोलता है कि पता है एक दिन ना तुम्हारा ये ना तुम्हें भी हर्ट करेगी, और कोई अगर तुम्हारा कोई प्यार करने वाला तुम्हें हर्ट करेगा ना तो कैसा फील होगा वो तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसा बोल देता है। एंड देन हमारा बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चला जाता है, और हमें दिखाया जाता है थाइन, वो पूछता है कि तुम दोनों में हुआ क्या, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों दिखा रहे हो, मतलब उसे तो पता नहीं है ना कि इन दोनों का कुछ पास्ट है, और एक सही के घर वाले ने ना थाइन को बताने से मना किया था। तो यहाँ पर वो बोलती कि वो मेरे पापा ने इसको एक्सपोज किया ना, इसी वजह से ये बदला ले रहा है मुझसे। और यहाँ पर अब थाइन बेचारा सही के पैर में पागल, वो उसकी बातें मान जाता है। हमें दिखाया जाता है सही बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्से में। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पे क्ला भी बहुत गुस्से में था और वो इधर उधर चीज़ें फोड़ रहा होता है, तभी उस सही का जो प्रोफाइल है ना, जो प्रोफाइल से उसने ऐसा ऐप पे लॉगिन किया था वो देख लेता है। एंड देन वो वाइट सी स्मेल देता है सही, वो याद कर रही थी किस तरह से क्ला ने बोला था कि तुम ये तुम्हें भी हर्ट करेगी, इसे लोग फीलिंग के साथ खेलना आता है, ऐसा चीज़ याद कर रही थी। तभी यहाँ पर सही के फ़ोन पे मैसेज आता है और क्ला बोलता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे घर पे आके कुछ चीज़ें ख्याल रख सकती है, वो अब मना तो कर नहीं सकती थी, तो वो हाँ बोल देती है। एंड ऑब्वियसली ये क्ला का प्लान था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब इंटरव्यू वाला दिन। यहाँ पर ना सही के पापा मिनिस्टर थे और यहाँ पर क्ला और उसका ना फेस टू फेस था। यहाँ पर मीडिया पे ये क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्ला का ऐप बंद करना चाहिए या नहीं, ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए तो अब कोई बड़े हस्ती को लेना चाहिए, तो यहाँ पर इस थॉट के लिए सही के पापा को सिलेक्ट किया गया था। सही के पापा पहले तो बहुत रेप्यूटेड बातें करते हैं और यहाँ पर सही अपने फ़ोन पे देख रहे होते हैं कहीं जा रही थी सही, और यहाँ पर वो बोलती कि मुझे लगता है अगर सोसाइटी को इतना इफेक्ट कर रहा है, लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं इसके ऐप के थ्रू, तो ये सब बंद होना चाहिए। यहाँ पर क्ला बोलता है कि जिस एक ऐप है, इस ऐप में एक लेडी है, एक वॉलेंटियर है जो मेरे घर पे काम करती है, उनको अगर मैं यहाँ तक ले आ पाया तो अगर मैं अपने पॉइंट को सही साबित कर पाया कि ये ऐप मैंने सच में लोगों को हेल्प करने के लिए बनाया, तो आप मान जाएंगे। और उसके बाद वो उस गाड़ी आता है जहाँ पर क्ला ने बोला था कि उस वॉलेंटियर लेडी आएंगी। एंड ऑब्वियसली वो लेडी कोई और नहीं, हमारी सही थी, क्योंकि सही ने अकाउंट बनाया था उस लेडी के नाम से। और यहाँ पर खेम को देखने के बाद वो समझ जाती है ये सब ट्रैप था। तो बेसिकली क्या है ना, सही के पापा का प्लान था क्ला को बदनाम करने के, लेकिन क्ला ने अपने पॉइंट को प्रूव कर दिया और वो बोलता है कि अरे वहाँ पर कोई आया है सर, अरे देखने से तो लग रहा है आपकी बेटी है, अब देखो मेरा तो काम ही ऐप बनाना है, लेकिन आपकी बेटी इतनी अमीर है, उसका कुछ शौक होगा ना, उसने मजे के लिए ऐप बना दिया, ऐसा वो बोल देता है। और पूरे मीडिया के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है सही के पापा की। और उसके बाद यहाँ पर सही के पापा सही पे गुस्सा कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या बोलता है कि अरे तुमने बताया नहीं तुम मेरे घर पर ऐसे आ गई थी, और शायद इसे ये ना मुझे मिस कर रही होगी इसलिए आ गई थी ससुर जी।
ऐसा बोल देता है। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, तब यहाँ पर वो बोलता है कि जो तुम लोगों ने किया है ना उसके आगे तो ये तो कुछ भी नहीं, मैं बस ये प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमिलेशन क्या फील होती है सबके सामने ना, मैं ये तो शुक्र मनाऊँ कि मैंने एक्सपोज नहीं किया तुम लोगों को, बस मैं ना ये फील करवाना चाहता था कि मीडिया के सामने बेइज्जती होना क्या होती है, तो वो मैंने करवा दिया। सही के पापा बहुत गुस्से करते हैं, बोलते कि मैं तुम्हें ना कहीं का नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर क्ला बोलता है कि ससुर जी आपने तो पहले भी बहुत कुछ किया हुआ है ना, मुझे तो ऐसे रास्ते का कुत्ता समझते थे, तो आप झेलिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, मेरा भी फर्ज बनता है एक अच्छा दामाद बनते, भले ही वो एक्स दामाद हो, ऐसा वो बोल देते हैं, बोल देता है क्ला सीरियसली। दोनों में बहुत अच्छी बातें हो रही थी। यहाँ पर उसके पापा के जाने की बात सही क्ला को बोलती कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। क्ला बोलता है कि क्योंकि ना बस तुमसे मजा ले बदला लेने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पापा के साथ भी बदला ले रहा हूँ। वो बोलती कि जो करना है मेरे साथ करो ना, मेरे पापा क्यों बीच में घसीट रहे हो। यहाँ पर वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे पापा ने मुझे जेल भेजा था, और लगता है कि तुम्हें मैं तुम्हारे पापा को छोड़ूंगा, और मैं हमेशा सोचता था जेल पे कि आखिर क्यों हो रहा है ये सब, क्यों हो रहा है, तो अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम सोचो ये सब क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। और यहाँ पर सही बोलते हैं कि जो भी करना है मेरे साथ करो, बोलता कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे पापा के साथ भी इक्वली होगा रिवेंज गेम जितना तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि बस तुम्हारे साथ बदलाने में कोई मज़ा नहीं, मैं तो सबके साथ बदला लूँगा जिन्होंने मेरी लाइफ को जानू बना दिया है, ऐसा वो बोल देता है। और इसी के साथ साथ ये वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म हो गया। तो आई जस्ट होप गाइज सही और क्ला की एक क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।